आप करें 98 पे 5 आउट थे इंडिया के, 98 पे 5 आउट के बावजूद 416 रन कैसे कट। यही तो इसीलिए तो इंडिया फेवरेट है मेरी, क्योंकि उनमें हर बंदा ऐसा है जो मैच जिता सकता है। जैसे पंत को आपने देख लिया, 146 रन की बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है और मुश्किल वक्त में खेली है, तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। पहले तो लग रहा था इंडिया हार जाएगा, लेकिन जैसे ही 98 पे 5 आउट हुए हैं तो यही लग रहा था सबको कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर लेंगे, 250 कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक किया है, ऋषभ पंत ने जिस तरह अफरीदी की तरह सेंचुरी मार दी है और साथ में जडेजा ने जो 100 की है, तो उन्होंने तो गेम भी बदल दिया। और जिस तरह वो मैंने देखा था वो रिकॉर्ड जो उसने 36 बनाता रह गया, 35 कर लिया है बुमराह ने, वो 36 रह गए, एक स्कोर से रह गए, नहीं तो वो उसने वही पुरानी याद ताज़ा कर। मुझे मज़ा तो आया, मैं तो इंग्लैंड के साथ हूँ वैसे। आप इंग्लैंड को सपोर्ट करते, इंडिया को नहीं सपोर्ट करें, आप किसको सपोर्ट? इंग्लैंड। ये भाई ये जो सा अंदर की गेम होती है, ये एक दो खिलाड़ी इनके 0 पे आउट भी हो जाए या 10 पे आउट हो जाए, इनके आगे जो सा आगे 3-4 खिलाड़ी इनके जो सेंचुरी मारते हैं, ये इनको यानी कि किसी तरह ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो की सारी जानकारी बता दें ताकि आपका समय नुकसान ना हो। दोस्तों आपको हम बता दें कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स जो कि लोकल क्रिकेटर्स बॉय हैं जो कि गांव में खेलते हैं और उन जो वहां की पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारत ने एक इनिंग में 416 रन बना दिए हैं और इंग्लैंड के दूसरे इनिंग के जो इंग्लैंड की पहली इनिंग है उसमें 5 खिलाड़ी आउट भी कर दिए हैं, तो ऐसे में भारत का पलड़ा काफ़ी भारी है और भारत इसमें बहुत ही आगे नज़र आ रहा है। और पाकिस्तानी जो ये पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है ये आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो ऋषभ पंत को जो कि 146 रन की पारी थी और बुमराह की जो 35 रन ठोके थे स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह की याद दिला दिए थे उन्होंने ये सारी बातें, और जो रविंद्र जडेजा की बैटिंग थी 104 रन की उस पर खुलकर बात की है। और भारतीय टीम को वो इतना करीब से देखते हैं और इतने अच्छे से जानते हैं जितना कि वो पाकिस्तान टीम को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ और अपडेट लाते रहें। तब तक आप बन रही वीडियो में, दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है जिसको कह सकते हैं हम सब ने तो कहा था इंग्लैंड विनिंग करेगा, लेकिन आजकल सूरत हाल चेंज हुई, कैसी लग रही है आपको परफॉर्मेंस, कौन फेवरेट लग रहा है? फेवरेट तो इंडिया ही है। कैसे फेवरेट है, मतलब कि न्यूजीलैंड ने भी तो 550 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में फिर भी हार गया, लेकिन इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है मुझे लगता है, क्योंकि जो बुमराह है और सिराज बहुत अच्छे बोल रहे हैं। इंडिया ने आते साथ 2 आउट भी कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया जीत जाएगा। क्योंकि बात करें 98 पे 5 आउट थे इंडिया के, 98 पे 5 आउट के बावजूद 416 रन कैसे कर लिए? यही तो इसीलिए तो इंडिया फेवरेट है मेरी, क्योंकि उनमें हर बंदा ऐसा है जो मैच जिता सकता है। जैसे पंत को आपने देख लिया, 146 रन की बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है और मुश्किल वक्त में खेली है, तो इंडिया कुछ भी कर सकता है। 146 रन की इनिंग्स की आपने बात की, किस प्लेयर की याद दिलाई छक्के चौके मार रहा था ऋषभ पंत? वो तो अफरीदी की याद दिलाई, लेकिन वो उस नहीं पहुँच सकता उस तक, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज है ना जो बड़े बड़े बॉलर को तारे दिखाता है। पंत को देखने में मज़ा तो आता है ना, मतलब जब छक्के चौके मार रहा तो टेस्ट मैच में भी मतलब कि लग रहा था T20 खेल। हाँ ऐसा तो है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे उसकी बैटिंग ना वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जिस तरह करता ना बैटिंग तो लगता नहीं है प्लेयर, क्योंकि अजीब कभी गिर गया कभी एक हाल से, ये प्लेयर की निशानी मुझे नहीं है ना ऋषभ पंत, लेकिन फिर भी 146 मार भी। हाँ उसके हर किसी का अपना स्टाइल है। अच्छा उसी तरह जडेजा भी 100 रन पकड़ गया सर, कैसे 2-2 सेंचुरियाँ एकदम से एक साथ? बड़ी बात है, क्योंकि IPL में बहुत आउट फॉर्म रहे थे जडेजा, लेकिन आते ही उन्होंने सेंचुरी जोड़ दी, बड़ी बात। जडेजा के पास एक्सपीरियंस है इसलिए वो उस सिचुएशन का अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। एक और मजे की चीज हुई, आपको याद होगा युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड, वो तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकता। आज बुमराह ने 35 रन मार दिया टेस्ट मैच में एक ओवर में ब्रॉड को, बड़ी बात है, ये भी भूलने वाली तो नहीं है, ये भी भूलने वाली नहीं, मतलब एक बॉलर ने मार दिया सर ऐसी खतरनाक बैटिंग हो। इसीलिए ना इंडिया जो जानी जाती है ना फेवरेट, वो मैं इसीलिए उनको फेवरेट कराता हूँ, क्योंकि वो हर बंदा ऐसा है ना जो मैच जिता सकता है। पिछले इसी सीरीज में पिछले मैच में वो शार्दुल ठाकुर ने बहुत मारा था, शामी ने भी मारा था, बॉलर है जो कि 8वें 9वें नंबर पर आते हैं, तो इसलिए फेवरेट। और मजे की बात ये है कि हर प्लेयर सेंचुरी मारा लेकिन एक बंदा सेंचुरी नहीं मारा जो सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ रखे बैठे। यार जो मेरा फेवरेट है ना, मेरा दिल दुखा है आउट हो गया कल, मेरा फेवरेट है वो बहुत दिनों से आउट ऑफ फॉर्म है और उम्मीद करते हैं कि वो कम बैक करे। मैं आपको एक बात करूँ ना कि 800 से ऊपर दिन हो गए जो अभी तक उसने सेंचुरी नहीं की, 71वीं सेंचुरी, तो लेकिन फिर भी टॉप 10 के अंदर है, तो ये सोचने की बात है कि 800 दिन प्लेयर बहुत स्कोर बनाया उसने 27 सेंचुरी कर चुकी है टेस्ट मैच में और
34 जो है उनकी 50 28 50 हो गई है। क्रिकेट को आप बड़ा गौर से फॉलो कर रहे हैं, बातों से पता चल रहा है, मुझे ये बताएं कि अब आप समझ रहे हैं कि इंडिया से ये मैच जीतेगी या इंग्लैंड कमबैक करेगी? यार इंडिया, इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छी टीम है, रूट जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, और बात की जो ब्रेस्ट बहुत फॉर्म में, पिछले मैचों में उन्होंने सेंचुरियाँ की है तेज तरीन, तो मैच बहुत फाइटिंग वाला मैच होगा, लेकिन जो जीतेगा ना मुझे लगता है इंडिया ही जीत जाएगा। अभी भी बल्कि है कि मैं जूनागढ़ फ्री हूँ तो टेस्ट की एक बॉल देखता हूँ। अच्छा, टेस्ट की बात की, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है और जिसको कह सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया है इंडिया ने, कैसा मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? पहले तो लग रहा था इंडिया हार जाएगा, लेकिन जैसे ही 98 पे 5 आउट हुए हैं तो यही लग रहा था सबको कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर लेंगे 250 कर लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक किया है, ऋषभ पंत ने जिस तरह अफरीदी की तरह सेंचुरी मार दी है और साथ में जडेजा ने जो 100 किया है, तो उन्होंने तो गेम भी बदल दिया, और जिस तरह वो मैंने देखा था वो रिकॉर्ड जो उसने 36 बनाता रह गया, 35 कर लिया है बुमराह ने, वो 36 रह गए एक स्कोर से रह गए, नहीं तो वो उसने वही पुरानी याद ताज़ा कर ली, तो रिकॉर्ड बना दिए। बात ये है कि सर अगर ऋषभ पंत को हम देखें तो मतलब इसने टेस्ट में T20 शुरू कर दी है। नहीं, उस वक्त हालात यही थे, वक्त की ज़रूरत यही थी कि वो तेज़ खेले, नहीं तो उनकी टीम ने हार जाना था टेस्ट। देखा, हमने देखा अगर इंग्लैंड में आप रुक के खेलो तो आप आउट हो, जैसे तेज़ खेलो तो आपका बल्ला चल जाता। हाँ, वहाँ पे तो भाई मिसबा जैसा प्लेयर भी जो है ना चौके मारता है, क्योंकि वहाँ पे है ही चौके ही मारने होते हैं, उसके बगैर वहाँ पे गुजारा नहीं है, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो बात करें जडेजा की, आपको सेंचुरी अच्छी लगी या ऋषभ पंत की या दोनों की अच्छी? जडेजा ने तो सेंसिबल खेला है, क्योंकि उस वक्त जिस तरह विकेट गिर गई हुई थी तो उसका रुक के खेलना बनता था। ऋषभ पंत ने भाई अफरीदी वाला रोल अदा किया है कि उसने छक्के मारे हैं, जैसे ब्रॉड को मारे हैं, दिल खुश हो गया। अब हालात ऐसे हैं मैच के, अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कौन फेवरेट लग रही है? इंग्लैंड के भी आते साथ ही आउट हो गए, बुमराह ने आउट भी कर दिए, रन भी कर दिए। देखें अभी तो मैच का मेरा से दूसरा दिन है, तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर जिस तरह ये इंग्लैंड अपनी विकेट हाथ में रखता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये इंडिया के फेवर में मैच है। देखा है इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड ने कमबैक किया था, 550 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड जीत भी गया था। तो आपको लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी डिफेंड कर लेगी? लग तो यही रहा है कि जो है इंडिया ले जाएगा, क्योंकि जो है ना हर दफ़ा ये नहीं होता कि आपने 500 किया तो अगली दफ़ा भी आप जीत जाएं, ये कभी कभी इस तरह की बात होती है, लेकिन अभी तो जो लग रहा है कि इंडिया के हाथ में मैच है। आपको इंडिया के हाथ में मैच लग रहा है, तो ओवरऑल आपने कह दिया इंडिया जीत रही है? नहीं, ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन अगर तो उनकी जीत, मैं तो चाहता हूँ कि रूट आउट हो, ताकि बाबर आजम की जो है वो रैंकिंग में थोड़ा फर्क आए, ऊपर आए। ये आपने पसंद वाली बात की, मुझे भी खुशी हुई, ताकि वो तीनों में नंबर वन तो बने। फिलहाल 415 रन इंडिया ने पहली इनिंग्स में बना दिए हुए हैं, इंशाल्लाह इंग्लैंड ही जीतेगा, इंशाल्लाह इंग्लैंड ही जीतेगा। ये मुझे बताएं कि हमने देखा कि इंग्लैंड के आते साथ दो आउट भी हो गए थे, जसप्रीत बुमराह ने आउट भी किए, एक ओवर में 35 रन भी मार दिए, उसके अलावा ऋषभ पंत आते साथ इतने तेज़ इनिंग्स खेलने लग गए, इतने रन उसने मार दिए, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, लेकिन इंडिया जैसा वो इंशाल्लाह हारेगा, और इंग्लैंड जैसा मजीद इंशाल्लाह ये तरक्की देकर पहुँचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सुड़खुड़ू होगा। ये मुझे बताएं कि मतलब कि अगर बात करें, इतने 5 खिलाड़ी इनके आउट हो गए, उसके बावजूद भी वो 415 रन कैसे कर गए? ये भाई जान, ये जैसा अंदर की गेम होती है, ये एक दो खिलाड़ी इनके 0 पे आउट भी हो जाए या 10 पे आउट हो जाए, इनके आगे जैसे आगे 3-4 खिलाड़ी इनके जो सेंचुरी मारते हैं, ये इनको यानी कि किसी तरह ये फिल्म बनाते हैं। अच्छा, फिल्म बनाते हैं, आप समझ रहे सारी फिल्म थी जो इन्होंने दिखाई है? फिल्म है किस्म की। कौन सा प्रोड्यूसर है इसका, कौन डायरेक्टर है, मुझे भी बताओ। ये पहले हीरो पहले मार खाता है, फिर बाद में जो सा हीरो जो सा फिर अपनी परफॉर्मेंस खाता है, ये सब। यानी इंडिया से हीरो बनी हुई है? नहीं, इंडिया विलन है, माना है आपने, हीरो माना है, इंडिया विलन है, विलन है। अच्छा, विलन है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। ये बता दो, इंग्लैंड जीत रहा है कि इंडिया जीत रहा है? इंग्लैंड ही जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, थैंक यू। इंडिया अगर जीतने की कोशिश करेगा तो अल्लाह करे फॉलोन हो जाए। इनका मैच चल रहा है, देख रहे हैं आप? जी देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ऋषभ पंत ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर दी, 146 मार दिए, जडेजा ने 100 मार दिए, कैसी लगी इनिंग? बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी? बहुत आला। कैसी आला? तकरीबन मैं देखता नहीं T20 टेस्ट मैच, मगर T20 देने का मज़ा आया, जिस तरह की खेली T20 था फर्स्ट मैच, मुझे मजा तो आया। मैं तो इंग्लैंड के साथ हूँ वैसे। आप इंग्लैंड को सपोर्ट करें, इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करें? आप किसको सपोर्ट करें? इंग्लैंड। आप इंग्लैंड, तीनों इंग्लैंड को सपोर्ट करें, इंडिया को क्यों नहीं? इंडिया तो फेवरेट लग रही है ना इंग्लैंड, इंडिया जो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे पहले। आपको अच्छी नहीं लग रही है? आपको अगर मैच की बात करें तो आपको इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही इस मैच के? जी बेश। आपको भी नहीं लग रही? लग रही है इंडिया। आपको इंडिया लग रही है स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग तो इस टाइम इंडिया जा रही है अभी तक, इंडिया ही जा रही है। लेकिन इंग्लैंड आपको क्या लग रहा है, जीतेगा क्या हारेगा? जी हार जाएगा इंग्लैंड। आप भाई कह रहे हैं इंग्लैंड जीतेगा, वो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। अब आपके ऊपर सवाल आ गया, आपने बताना है कौन जीतेगा मैच? इंडिया।
इंडिया बस दो वोट इंडिया के हो गए, एक वोट इंग्लैंड का हो गया, मतलब कि इंडिया के सख्त खिलाफ है तो फिर इंडिया के साथ हो गया। नहीं नहीं वो क्रिकेट है, क्रिकेट में सब कुछ चलता है, छोड़ दो नफरतों को। ये मुझे बताओ कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी अच्छी लगी कि जडेजा की आपको बल्लेबाजी अच्छी लगी? जडेजा की आपको अच्छी लगी। बुमराह ने 35 रन मार दिए एक ओवर के अंदर, कैसे मार दिए सर? बस एकदम ही फास्ट हुआ वो, तो बिल्कुल ही जैसे लगा कि जैसे कि वो क्रिस गेल खेल रहा हो, बल्ला ही घुमाया जा रहा है, ऐसी बल्लेबाजी। अफरीदी की इनिंग ज्यादा पसंद आती थी कि ऋषभ पंत? अफरीदी फास्ट खेलते थे ना, ऋषभ पंत भी फास्ट खेलने तो लग गया, मगर है तो अफरीदी अपना, अफरीदी एक ही जो पसंद आ गया वो आ गया भाई, लेवल है। तो आपने भाइयों की बातें सुनी, सबका आपने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, मुझे जो लग रहा है हालात इस मैच के लग रहे हैं, तो मुझे मेरी तरफ से तो अब ये 50-50 होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में दम है। हमने देखा है न्यूजीलैंड के अंदर भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कैसी परफॉर्मेंस दी, तो होप्स तो देखते हैं। अभी 3 दिन पड़े, 3 दिन के अंदर क्या होता है, बारिश का भी काफ़ी रोल है। अभी बुमराह की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इंशाल्लाह दोबारा भी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने जो पाकिस्तानी पब्लिक है भारतीय टीम को कितना करीब से देखती है, और उनसे हमेशा ये डर होता है कि भारत में उनका कहना है कि कोई ना कोई खिलाड़ी एक ऐसा होता है जो कमबैक करता है और टीम को अच्छे लेवल तक पहुँचाता है। पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।